ये सेब की तरह चिकी चिकी काल जो है। Hey everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ सिंड्रेला तलान। मेरे ब्लॉग में सभी का वेलकम है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिन पे जो है 20-30,000 से ऊपर व्यूज़ आए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और साथ ही में जो है हमारे 1,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए दिल से थैंक यू। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, उम्मीदें हैं कि आप इसी तरह से हम लोग को प्यार करते रहिए। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस ब्लॉग को, सॉरी ब्लॉग नहीं, आज जो है वीडियो बनने वाली एक छोटी सी ब्यूटी टिप पर। और आज कोई ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है, तो आप लोगों ने मेरे थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पर वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ दैट हाउ टू मेक बीटरूट टिंट एट होम। तो आप घर पे किस तरह से जो है ब्लश टिंट बना सकते हैं नेचुरल तरीके से, और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। तो हाँ जी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से मैं जो है वो टिंट बनाऊंगी। तो मैंने यही सोचा था कि क्या कहते हैं, हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर कुछ ब्यूटी टिप पे जो है आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगी, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो आज से जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है मेरी ये सिंपल रेसिपी पसंद आएगी और ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, स्पेशली लड़कियों के लिए, टीनेज लड़कियों के लिए और जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए। तो जिन लोगों को मेकअप करना पसंद है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लशर्स जो होते हैं मार्केट के ना यूज़ करते हुए आप नेचुरल टिंट यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी होती है जिनको सिर्फ नेचुरल मेकअप जो है पसंद होता है, लाइक उनको मस्कारा, काजल और थोड़ा सा जो है ब्लश। तो ब्लश की जगह आप लोग जो है हल्का सा टिंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी नोजी पे, चिक्स पे, लिप पे। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है मेरी वीडियो पसंद आएगी। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर हम चलते हैं कहाँ, किचन में। तो जाहिर सी बात है हमें जो है टिंट बनाने के लिए किचन में ही जाना पड़ेगा, तो फिर हम चलते हैं किचन में। तो बीटरूट टिंट बनाने के लिए हमें चाहिए जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स, और जो कि है फर्स्ट मी ग्लो का ये एलोवेरा जेल है। तो मैं ये जेल यूज़ कर रही हूँ इसमें, और आप किसी भी ब्रांड का जो है एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप जो रेडीमेड एलोवेरा जेल है वही यूज़ करें। और साथ में मैं ले रही हूँ ये कोकोनट ऑयल, तो आप किसी और भी ब्रांड का जो ऑयल है जो आपको सूट करता है वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं ले रही हूँ ये बीटरूट, जो मैंने 2 बीटरूट है इन्हें, इनके जो छिलका जो होता है उसको रिमूव करके मैंने इन्हें क्यूब्स में जो है कट कर लिया है। तो बस हमें सिर्फ यही 3 चीज़ें चाहिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि बीटरूट टिंट जो है आप घर पे वो किस तरह से बना सकते हैं। तो फिर करते हैं वीडियो को आगे शुरू। तो जो ये बीटरूट है ये मैंने ग्राइंड करने के लिए इसके अंदर डाल दिया है, और साथ में ही आप थोड़ा सा इसमें जो है वाटर ऐड करेंगे, और अब इसे करेंगे हम ग्राइंड। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये कुछ इस तरह का देखो हो गया है। और अब मैं इसको स्क्वीज़ करूँगी, इसका जो भी ये जो रस है, जूस है, इसको मैं एक अलग से कटोरी में निकालूँगी। तो मैंने इसका जो रस था वो निकाल लिया है, तो ये इतना निकला है। तो अब चलते हैं वादी की तरफ। तो मैंने लिया है ये पैन, सॉस पैन। अब इसके अंदर मैंने जो ये जितना भी रस था वो डाल लिया है, और हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो हमें साथ ही साथ में इसको ऐसे स्टर करते रहना है ताकि ये जले नहीं, और हम इसे तब तक पकाएंगे तब तक कि थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इसको हमें जो है पकाना चाहिए। जैसे जैसे जब आप इसे पकाओगे ना तो ये जो इसका कलर है वो थोड़ा डार्क होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है डार्क हो गया है। तो मैंने ये कर दिया है ऑफ। तो जब ये पक जाए तो आप इसे ऐसे किसी बोल में निकालिए। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो मैंने ये 1 टेबलस्पून लिया है एलोवेरा जेल,
और साथ ही में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो आप जो है ऑयल की मात्रा कम कर सकते हैं, तो उसको आप 1/2 स्पून ले सकते हैं और जो एलोवेरा जेल है उसको आप 2 स्पून कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से ये ऑल टाइप स्किन पे आराम से जाएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी जो ये रेसिपी है ये आपको समझ आ रही होगी। तो टिंट जो है वो रेडी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है बीट करा है और ये देखिए इसका जो बेस है ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बन गया है, तो हमें इस तरह का ही चाहिए था। तो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, नेचुरल। तो चलो अब देखते हैं फेस पे ये कैसा लगता है कैसा नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ लगा करके। मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, तो मैं इसे अभी रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में ताकि थोड़ा सा और भी ज़्यादा थिक हो जाए। तो टिंट जो है मेरे हाथ में है और ये मैंने आपको बताया था मैंने ये रेडी कर लिया था किचन में, तो ये कुछ इस तरह का मैंने इसे 10 से जो है 15 मिनट जो है मैंने इसको फ्रिज में रखा था कि थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए और आपको अप्लाई करने में भी ठंडा ठंडा लगे। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से आपको जो है अपने फेस पर अप्लाई करना है, बहुत ही ईजी तरीके से करना है, हर किसी को आता है। तो अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैंने वीडियो जो है वो ऑन नहीं करी थी रिकॉर्ड होने के लिए और मैंने अप्लाई कर लिया और मैं बोली जा रही थी, तो बाद में एंड में पता चला मैंने तो वीडियो ऑन ही नहीं करी है, तो मैंने फिर से जो ये रिमूव करके और मैं फिर से ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ। तो एनीवेज गलती हो जाती है कभी कभी और ये मेरी फर्स्ट ब्यूटी टिप पे जो है ये वीडियो है, तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी हो रही हूँ, तो आई होप आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो मैंने ये जो है फिर से निकाल लिया था और हमें इसे कुछ भी नहीं करा, जैसे हम लोग अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं लाइक दिस, उस तरह से ही आपको जो है अप्लाई करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मैं ये फिंगर से ले रही हूँ टिंट, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, माय गॉड। तो इसे हम देखो इस तरह से अप्लाई करना है, पहले इस पे, ये देखिए अगर आपको लाइट लग रहा है तो आप और ज्यादा इसको ले सकते हैं थोड़ा उसको ड्राई होने के बाद, बहुत ही जो है हल्के हाथ से। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट जो है देखो इतना नेचुरल और इतना अच्छा आने वाला है। ओ माय गॉड, बिल्कुल मतलब नेचुरल लग रहा है ऐसा, बिल्कुल लग रहा है कि आपने कोई मेकअप प्रोडक्ट जो है आपने यूज़ करा है। ये ग्लो देखो कितना कर रहा है, तो हमें इसे स्माइल के साथ यूज करना है लाइक दिस। ओह माय गॉड, थोड़ा सा ये नोजी पे, तो मैं अपने नोज को भी थोड़ा सा जो है ब्लश करती हूँ, मुझे पसंद है अपने नोजी को पिंक पिंक रखना, ठीक है। ओह माय गॉड, आप देख सकते हो कि मेरा फेस पहले कितना मतलब ड्राई लग रहा था, अब देखो कितना ग्लोइंग लग रहा है। तो साथ ही मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने लिप पे इस तरह से हल्के हल्के हाथ से। तो जिन लोगों को मेकअप पसंद नहीं है वो लोग साथ में मश्कारा हो गया थोड़ा सा, हल्का सा आईब्रो पेंसिल कर लिया और फिर अपने चिक्स पे जो है और अपने लिप पे जो है ये टिंट यूज करते हैं। ओ माय गॉड, ये कितना नेचुरल और खूबसूरत लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं अगर और इसको थोड़ा डार्क करना है तो आप कर सकते हैं, एक और बार अप्लाई अपने फेस पे जो है ये चिक्स पे कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एक बार करने के बाद इसको कोई जरूरत है। ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है,
मजा आ गया। तो ये जो है मैंने फर्स्ट टाइम ही जो है अप्लाई करा है, फर्स्ट टाइम ही घर पे बनाया है और फर्स्ट टाइम में ही इतना खूबसूरत रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो हर कोई आपसे पूछने वाला है कि भाई ये क्या राज है आपके, जो है ये सेब की तरह चिकी चिकी काल जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलो जी, मुझे जो है ये जो टिंट बहुत पसंद आया, बनाने में बहुत इजी है और अप्लाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बिल्कुल सुपर नेचुरल है। आई एम प्रिटी श्योर आप लोग को भी जो ये रेसिपी है पसंद आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं और इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, हर किसी के पास कोकोनट ऑयल होता है, एलोवेरा जेल होता है और बीटरूट तो जाकर के आप मार्केट से इजीली लेकर के आ सकते हैं, बहुत ही जो है रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो इस टिंट को जो है किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, जैसे फाउंडेशन की जो बॉटल्स आती है पंप वाली, तो आप उसमें भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो टिंट है ये कम से कम जो है 1.5 से 2 हफ्ते आपका आराम से ये चल जाएगा, उसके बाद आप फिर से बना लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है ये पसंद आई होगी वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी वीडियो। और मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने सोचा है कि हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर ऐसी लेकर के आएंगे जिसमें ब्यूटी टिप्स होगी और आप लोग को किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे और वीडियोस देखने हैं स्पेशली लड़कियों को, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अभी से मैं स्टोर करके रख लूँगी अपने फ्रिज में, आप लोग भी रख सकते हैं और 2 हफ्ते तक यूज़ करिए बिना डर के और बिना महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पे पैसे यूज़ करके अपने घर पर जो है ये रेडी कर सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने जो है मैं मार्केट गई थी, मॉल गई थी अपने लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो वहाँ पे मैं टेंट ढूंढ रही थी तो बहुत से टेंट जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे थे, वो मतलब लाइक 3000-4000, मुझे बिल्कुल भी मतलब जो उन पे पैसे स्पेंड करना वर्थ नहीं लग रहा था। तो इसलिए जो है मैंने आइडिया निकाला कि मैं घर पर किस तरह से बनाऊँ बीटरूट का जो टेंट है, और रिज़ल्ट जो है मैं बहुत खुश हूँ उसके रिज़ल्ट के साथ, आप लोग खुद देख सकते हैं। आप अगर आपको ये लाइट लग रहा है तो आप इसको डार्क भी कर सकते हैं एक बार और अप्लाई करके, बट मेरे लिए ये इनफ है, तो आप मेरे हिसाब से देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।